बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल नर्सरी क्लास। आज मैं आपको काउंटर बुक का लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करूँगी। ओपन योर बुक्स। बुक का मैं आपको बताऊँगी पेज नंबर है 33। इधर लिखा हुआ है 33, पेज ओपन करें। 32 तक हम पढ़ चुके थे। इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो है काउंट एंड ट्रेस द नंबर्स। काउंट करेंगे और नंबर्स को ट्रेस करेंगे। इधर हमारे पास बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट बना होगा, उसको पहले काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे पास 10 है। काउंट करने के बाद हम इन डॉट के ऊपर इसको राइट करेंगे। 1 को ये देखें, बिल्कुल सीधा राइट करेंगे ऐसे। और 2 के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा गोल करने के बाद लाइन टेढ़ी और यहाँ से इधर से सीधी करेंगे। 1, 2 राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 है। इसके जो दोनों सर्कल हैं दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल होंगे। 1, 2, 3 राइट करने के बाद 4 पे आ जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको ऐसे और उसके बाद इसकी लास्ट लाइन सीधी लगा देंगे। फिर हमारे पास है 5। इसको हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन में, इस रुख में स्ट्रेट लाइन, और इधर इसको सर्कल की शेप में गोल कर देंगे जो इसके बराबर दोनों साइड से इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड 6। यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा और इधर से इसको गोल कर देंगे, 6 बन जाएगा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन लगाएंगे 7 की ऊपर से थोड़ी सी और यहाँ से टेढ़ी, इसको बहुत ज़्यादा टेढ़ा बिल्कुल ना कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 8। 8 नंबर लिखेंगे ऐसे, एक सर्कल बनाएंगे और दूसरा, इन दोनों को हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, दोनों इक्वल ही होंगे। 9 लिखने के साथ हम सर्कल बनाने के साथ ही 1 लिख देंगे ऐसे। 9 के बाद हम आते हैं वर्ड 10 पे। 1 सीधा और इसके साथ हम 0 राइट कर देंगे। ये हमारे 10 तक नंबर कंप्लीट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इधर हमारे पास फ्लावर्स बने हुए हैं, इनको भी पहले हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी हमारे पास नंबर्स में 10 ही हैं। इसी तरह जैसे हमने ये डोर्स के ऊपर लिखा है, इसी तरह ये 1 to 10 हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्नेल की विक्स है, इसको भी पहले हम काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी हमारे पास स्नेल 10 ही है। इसी तरह डोर्स के ऊपर हम इसको राइट कर देंगे। 1 से स्टार्ट करके 10 तक नंबर्स राइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास स्टार्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी हमारे पास 10 ही है। इसी तरह डोर्स के ऊपर 1 to 10 नंबर्स राइट कर देंगे। ओके, फिर ये हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो हमारे पास है पेज नंबर 34, जॉइंट द डोर्स। डोर्स को ज्वाइन करना है। स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो अप टू 9। 1 से स्टार्ट करके 9 तक जाएंगे। उसके बाद कलर द फिश, कलर उसके बाद हम कलर में फिश करेंगे। ये पेज आप अपनी बुक पर राइड करेंगे, मैं आपको एक पेज पर रीड करवा देती हूँ। ये देखें, इधर भी वही टॉपिक लिखा है, ज्वाइन द डोर्स। ये देखें, ये काउंटिंग को हम मैच करेंगे सब। इधर हमारे पास ये मोटाई में इधर डोर्स, बड़े बड़े से डोर्स नज़र आ रहे होंगे। अपनी बुक पर फोकस करें, ये डोर्स लगे हुए हैं, साथ साथ हमारी काउंटिंग लिखी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 to 9 डोर्स को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 पे पेंसिल रखेंगे, इसको 2 के साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ड 3 लिखा हुआ है, इसको इसके साथ कर देंगे 2, 1, 2, 3। 3 के बाद हम यहाँ 4 पे आ जाएंगे, इस डॉट को इसके साथ मैच कर देंगे। 4 के बाद 5, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर कंप्लीट हैं। उसके बाद हम 6 पर आ जाएंगे, इसको हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे 6 के बाद नंबर 7, डॉट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। 7 के बाद 8, 8 के बाद जो लास्ट वर्ड है हमारे पास 9। ये देखें, इस तरह हमारी फिश का स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 to 9 हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद आप इसमें अपनी मर्जी से डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर राइट करेंगे, जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। 1 और 2 लिखा हुआ है, दो बुक्स ब्लैंक है। 1, 2 के बाद ये देखिए, 1, 2 के बाद क्या आएगा, 3। मेरे साथ आप अपनी बुक पर राइट कर देंगे 3, 1, 2, 3। 3 के बाद 4, अब इसको पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5।
फाइव के बाद हम राइट करेंगे इधर सिक्स, इस तरह से। सिक्स के बाद आपको पता है हम लिखेंगे सेवन, सेवन के बाद एट। ये देखें इसके सर्कल अलग नहीं है, इसको इकट्ठा ही लिखना है। अब इसको हम रीड कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब ये हमारा कंफर्म हो गया है कि हमने काउंटिंग तरतीब से मिसिंग लेटर बिल्कुल सही राइट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स के लिए हम इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उलट स्टार्ट करेंगे। नाइन के बाद हम देखेंगे, नाइन के बाद, नाइन से पहले हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, इधर एट राइट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सेवन। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, नाइन एट सेवन सिक्स। यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं हम, नाइन एट सेवन सिक्स। ये देखिए हमने तरतीब से लिखी है, सिक्स के बाद हम यहाँ लिखेंगे फाइव, फाइव के बाद जो बॉक्स खाली है यहाँ लिखेंगे फोर, फोर के बाद आएगा थ्री और इधर टू। ये देखिए स्टूडेंट्स हमारी ये तरतीब के साथ वन टू नाइन काउंटिंग कंप्लीट है। इसको हम इधर से भी पढ़ सकते हैं और इधर से भी। बैकवर्ड पढ़ने के लिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। उसके बाद हमारी एक्टिविटी जो है वो है व्हाट कम्स बिटवीन के, दो वर्ड लिखे होंगे, इनके दरमियान में कौन सा वर्ड आएगा। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक हमने हमें दिया हुआ है, जैसे सेवन एट नाइन, सेवन एट लिखा हो, सेवन और नाइन हो, इधर से एक वर्ड मिस किया हो तो इधर हम एट लिखेंगे। ये देखिए इधर है थ्री, बॉक्स ब्लैंक है, यहाँ फाइव लिखा हुआ, हम देखेंगे कि दोनों के दरमियान में कौन सा वर्ड आएगा। ये देखिए इधर पता है थ्री और फाइव है, फोर, थ्री फोर फाइव, इसके दरमियान में हम फोर राइट करेंगे। उसके बाद इधर वर्ड लिखा हुआ है वन, आपको पता है कि वन के बाद काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम वन के बाद हमारे पास टू आता है, उसके बाद इसको पढ़ लेंगे वन टू थ्री, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारे पास लिखा हुआ है फोर और सिक्स लिखा है, इन दोनों के दरमियान में आएगा फाइव, फोर फाइव सिक्स। उसके बाद हमारे पास है टू और फोर लिखा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में आएगा थ्री, टू थ्री फोर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइव और इधर सेवन है, इन दोनों के दरमियान में हमें कौन सा वर्ड लिखेंगे। इसके लिए हम काउंटिंग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फाइव के बाद ये वर्ड हमारे पास सिक्स आ रहा है, वो हम इस बॉक्स में राइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है सिक्स और एट, सिक्स और एट के दरमियान में कौन सा वर्ड आएगा, सेवन, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट है, अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। अब इसका नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे जो एक्टिविटी हमारे पास है, राइट द मिसिंग नंबर्स 1 to 10, 1 to 10 मिसिंग नंबर लिखेंगे। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है 1 और 2 लिखा है, 2 के बाद आपको पता है कि 3 आएगा, 1 2, आप इस बॉक्स में 3 राइट कर देंगे। 3 राइट करने के बाद आप इसको फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि आपने तरतीब से नंबर सही लिखा हुआ है, 1 2 3। उसके बाद अब यहाँ 4 राइट करेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 और 6, 6 के बाद फिर 7 और 8, 1 to 9 हमारा मिसिंग नंबर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इस लाइन में भी ऐसे ही करेंगे, 1 के बाद आप लिखेंगे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 लिखा हुआ है, 6 7 8, यहाँ फिर वर्ड मिस है, यहाँ आप 9 लिख देंगे, 1 to 9 मिसिंग लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर कंप्लीट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।